हम बनाने जा रहे हैं इनवाइस। क्या बनाने जा रहे हैं? इनवाइस। इनवाइस में सबसे पहले आप जो है एक एरिया को लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है, और पेज लेआउट में जाने के बाद सबसे पहले ग्रिड लाइन को हटा दें, ब्लैंक कर देना। अभी जो दिख रहा है ना, ये मेरा लोगो है, ये कुछ है नहीं, ऐसे ही दिख रहा है, तो ये मेरा वाटर मार्क है। उसके बाद पहले वाले कॉलम को छोटा करो और इसको पकड़ो और एक एक संभावित लोकेशन ले लो कि कितना बड़ा बिल दिखना चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों, और उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद जाना है राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल। कहाँ जाना है? फॉर्मेट सेल में आने के बाद जहाँ आना है बॉर्डर में, मोटा वाला बॉर्डर को लीजिए और इसको डाल दीजिए। ठीक, क्या होगा, इस साइड से सारा बॉर्डर हो गया, हो गया। अब मैं यहाँ अपना कंपनी का नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कंपनी। कंपनी नेम थोड़ा बड़ा लिखना है, इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया आईपीटी एक्सेल स्कूल। लिखने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे, और हो सके तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है स्लोगन। स्लोगन समझते क्या होता है? स्लोगन का मतलब होता है कंपनी का नारा, कंपनी क्या चीज पे काम कर रही है, क्या कंपनी का मोटिव है, मकसद क्या है। तो है लर्न एक्स, यहाँ पे एक्सल ऑनलाइन लाइव, ठीक है, ये हो गया कंपनी का स्लोगन। अब स्लोगन को साइड में रख सकते हैं या सेंटर कर दीजिए या राइट कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगा वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में क्या आएगा, इनवाइस लिखा आएगा, तो इसको दो को सेलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए, ठीक है, इन आई एन वी आई एस ई, इनवाइस, और इसको सेंटर सेंटर में कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए। अब इसका कलर है, कोई और कलर करना था कोई और कलर कर दीजिए, लेकिन जनरली जो होता है एक ग्रे कलर में आता है, सॉरी इसमें स्पेलिंग छूट गया, इनवॉइस। ओके, अब इसको थोड़ा सा यहां से बड़ा कीजिए और क्या कीजिए, बोल्ड तो है ही, जस्ट बड़ा कर। अब यहाँ बोल्ड हो गया, अब यहाँ पे क्या देना है आपको, इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, नंबर के बाद क्या आएगा, डेट, डेट आ गया, डेट आ गया। अब इसके आगे डॉट लगाया है, तो इसमें भी आप इस तरह सा करके एक बराबर में होना चाहिए ना, और इसमें भी स्पेस, स्पेस यहाँ भी स्पेस देना चाहिए, और वो डॉट लगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो स्पेस को थोड़ा कम कर, थोड़ा सा और कम कर दे। बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी का एड्रेस होगा, क्या होगा, कंपनी का एड्रेस, यहाँ के कंपनी का एड्रेस डाल दीजिए, जैसे गरीब नाथ धाम बिहार 110062, या जो भी एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा नेम, और नेम के बाद आप देखेंगे नेम दिख रहा है आपको, ओके। अब नेम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, नेम के बाद डॉट लाइन दिख रहा है, दिख रहा है। तो दो चीजें हैं, या तो इसको आप डॉट 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 कर दीजिए इस तरह से, नहीं डॉट डॉट करने में मन नहीं लग रहा है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कीजिएगा, फॉर्मेट सेल पे जाइएगा और यहाँ से डॉट लाइन लीजिएगा और नीचे वाला बॉर्डर दे दीजिए, कहाँ कौन सा बॉर्डर, नीचे, ओके, हो गया डॉट लाइन, हो गया ना डॉट लाइन, देखिए हाँ डॉट लाइन है। अब इसी को कॉपी, बाकी चाहिए हमें तो कॉपी करके हम नीचे कर देते हैं, इसके लिए एड्रेस के लिए यहां हो जाएगा हमारा एड्रेस, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, फोन नंबर, हो गया। अब नीचे आते हैं, यहां पे ये हमारा ए बन गया ऊपर का हेडिंग। अब थोड़ा सा आते हैं यहां पे,
अब इन पूरे को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं कहाँ पे, राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल बॉर्डर, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, हाँ उस पर भी जाते हैं, वो भी फॉर्मेट सेल पे ही जाता है, दोनों इकट्ठा है एक ही जैसा है। तो बॉर्डर पे आइए, ये वाला बॉर्डर लीजिए थोड़ा सा कम मोटा, और आप कर दीजिए ऊपर वाला और नीचे वाला, मेरा हो गया हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बीच में हमें क्या करना है, नीचे तक राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट, यहाँ वाला बॉर्डर दे दीजिए, ये छोड़िए पतला वाला बॉर्डर, ठीक है, यहाँ यहाँ पे भी होना चाहिए, सॉरी राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल और इसको लीजिए, यहाँ साइड वाला बॉर्डर लगा दीजिए, हो गया। अब यहाँ क्या है आपका, अब यहाँ नीचे तक भी आइए, सेम सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल बॉर्डर में क्या कीजिएगा, इसके तरफ लगा दीजिए एंड ओके, क्या हो जाएगा, अब इसको मर्ज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब यहाँ आपका आ गया क्वांटिटी, यहाँ आ गया आपका रेट, यहाँ पे आ गया आपका, अब इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट से, बीच वाला बॉर्डर दीजिए, साइड वाला दीजिए और साइड वाला दीजिए, हो गया। और ये जो यहाँ दिख रहा है इसको अमाउंट का जो है ना, ये अमाउंट का बड़ा होना चाहिए, इसको मर्ज कर एक अमाउंट हो जाएगा। और ये जो लाइनिंग हमने किया है ना, ये लाइनिंग को कर दीजिए फॉर्मेट सेल, हो गया। और इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, ऊपर का लाइन नीचे का लाइन, इसके लिए टोटल के लिए मर्ज कीजिए, यहाँ का टोटल और यहाँ पे ऊपर करके इसको करते से बोल, हो गया। और नीचे जो ये सब आया है इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में बॉर्डर हटा दी, गलती से लग गया है, हम क्या करेंगे, हटा दिए और इसको कर दीजिए डिलीट, इसको रहने दीजिए। इसमें आप यहाँ जो बाकी दिख रहा है रिपीट इन वर्ड और बाकी चीज जो है उसमें लिख दीजिए, यहाँ देखिए ऐसा कर दिया, बन गया इनवॉइस, बन गया ना, इसको थोड़ा छोटा कीजिए, अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं इसको ताकि आपका डेट सही दिखे, ओके तो बनाइए, चलिए।